तो हम चला करके भी चेक कर ले रहे हैं। अब देखिए गाड़ी स्पीड में है लेकिन मीटर जरा सा भी नहीं बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स हम जो है इसका स्कैनिंग में भी कर ले रहे हैं और स्कैनिंग में देख लेते हैं कि क्या फॉल्ट कोड आ रहा है। इसमें देखिए बेसिक में दो फॉल्ट आया है, तो हमें अभी क्लियर चेक कर लेते हैं कि क्या है। ये देखिए P0 500, जिस इसका मुझे डाउट था वही है, स्पीडोमीटर का है, इसमें फॉल्ट कोड आ रहा है जो व्हीकल स्पीड सेंसर का होता है हमारा। उसके बाद इंजन में भी देख लेते हैं, बाकी और सब तो ठीक दिख रहा है, इंजन में भी देख लेते हैं क्या आ रहा है इसमें। तो इंजन में भी देखिए वही आ रहा है P0 500 P0 500, और सेम देखिए वही चीज़ है सब में कोड। तो अगर ये कोड आता है तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे इसको जो है इस प्रॉब्लम, अगर P0 500 आता है तो हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है, उसी पे मेरा वीडियो है, मैं इसमें बता दे रहा हूँ डिटेल्स पे। और बाकी मैं चेक कर ले रहा हूँ, बाकी देखिए 100% हो गया और ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा। ये देखिए सब कुछ ओके है, 100% हो गया ये स्कैन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका वायरिंग चेक करेंगे कि कहीं से वायरिंग कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। और अब हम चाबी ऑफ करके आगे चलते हैं और इसको हम निकालते हैं अभी, स्पीडोमीटर सेंसर जो व्हीकल स्पीड सेंसर होता है। तो यहाँ पे व्हीकल स्पीड सेंसर लगता है, देखिए यहाँ बैटरी है और इस जगह पे लगता है, अभी मैं उसको निकाल करके चेक करा दूंगा। और ये व्हीकल स्पीड सेंसर है तो इसको चेंज करेंगे, पहले वायरिंग चेक करते हैं कि वायरिंग कहीं से टूटी तो नहीं है, कटी पिटी तो नहीं। तो वायरिंग हमने चेक किया तो वायरिंग बिल्कुल ठीक है, कहीं से नहीं कटी हुई है। तो व्हीकल स्पीड सेंसर जो है अक्सर इसमें शॉर्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से कई प्रॉब्लम आती है गाड़ी में। फ्रेंड्स कभी भी व्हीकल स्पीड सेंसर अगर शॉर्ट हो जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे हमारा क्या होता है कि स्टीयरिंग हल्का सा भारी चलने लगेगा, गाड़ी जो है झटके लेने लगेगी, गाड़ी जिस स्मूथ से चलनी चाहिए वैसी नहीं चलेगी गाड़ी। और कभी कभी तो ये भी दिक्कत होता है कि गाड़ी हमारी लॉन्ग स्टार्टिंग होने लगती है, यानी लंबा सेल्फ लेने के बाद गाड़ी स्टार्ट होती है, कभी कभी चलाते समय गाड़ियों में जर्क आने लगता है यानी झटके लेने लगती है गाड़ी। तो ये सब प्रॉब्लम जो है सामना करना पड़ जाता है व्हीकल स्पीड सेंसर शॉर्ट होने की वजह से। फ्रेंड्स इस जगह पे लगता है व्हीकल स्पीड सेंसर, देख लीजिए कैमरा बहुत मुश्किल से वहां तक पहुंचाया गया है, दरअसल इसमें जगह ही नहीं होता है, बहुत कम जगह है, बहुत अल्टा जगह पे लगा होता है। तो यही है व्हीकल स्पीड सेंसर का जगह जहां पे ये फिट होता है। तो हमने ये देखिए ये पुराना है और ये नया है, MGPU मैंने लिया है और इसका ये MRP है, ये पार्ट नंबर है। तो हम इसको इंस्टॉल करने अभी फिटिंग करते हैं, फिटिंग करने के बाद जो है हम स्टार्ट करके चेक करते हैं, फिट करो। तो हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए गाड़ी स्टार्ट किया और चेक लाइट भी चली गई, चेक लाइट हमने डिलीट नहीं किया है, बस खोलने से पहले हमने क्या किया था कि माइनस का तार निकाल दिया था बैटरी का, इस वजह से इसकी चेक लाइट अपने आप ही चली गई। और अब हम चला करके इसको चेक कर लेते हैं, अब देख सकते हैं बिल्कुल स्पीडोमीटर हमारा काम कर रहा है सही, और हमारा स्टीयरिंग भी फ्री हो गया, पहले स्टीयरिंग भी थोड़ा सा टाइट चल रहा था इसकी वजह से। और जो चेक लाइट आ रही थी आप लोगों ने देखा ही, शुरू में ही दिखाया था मैंने कि चेक लाइट आ रही है और स्पीडोमीटर नहीं चल रहा था पहले। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।